दोस्तों क्यों एप्पल दे फाउंडर स्टीव जॉब्स ने फेसबुक दे फाउंडर मार्क जुकरबर्ग नू उत्तराखंड दे एक टेंपल दे विच जान दे लई कहा। आखर की सी कारण इन्ने वड्डे बिजनेस टाइकून नू दूजे बिजनेस टाइकून नू उत्तराखंड दे टेंपल दे विच जान दी सलाह दित्ती। आओ एक बारी जानते हैं सारी रिपोर्ट दे विच। सितंबर 2015 दे विच पीएम नरेंद्र मोदी जदों मार्क जुकरबर्ग नू मिले तां उस वक्त सब तो ज्यादा गल्लां सोशल मीडिया दी पावर दीआं होईआं, पर इस दे विच मार्क जुकरबर्ग ने एक एहो जी हाई पावर दा जिक्र कीता जो कि उन्होंने एक उत्तराखंड दे मंदिर दे विच महसूस कीती जिसका नाम है कैंची धाम आश्रम। दोस्तों कैंची धाम आश्रम उत्तराखंड के नैनीताल के नेड़े पैंदा है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने मार्क जुकरबर्ग नू उस आश्रम दे विच कुछ दिन बिताने के लिए कहा। पिछले 30 सालों दे विच इस मंदिर ने इंटरनेशनल बिजनेस टाइकूनस नू अपनी तरफ बहुत खिंचया। इत्थे गूगल एप्पल ईबे वर्गे इंटरनेशनल बिजनेस टाइकूनस रह के गए ने। जदों तो यह सामने आया कि इत्थे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग रह के गए ने उदों तो इत्थे आउण वालियां दी गिनती 3 गुना तक वध गई है। इत्थों तक इस टैंपल नू जुकरबर्ग टैंपल कहा जान लग्या। इंडिया दे विच मंदिर मस्जिद गुरद्वारियां दी बहुत धार्मिक थावां ने, पर सवाल यह बनता है कि वैसटर्न कंट्रीज दे बिजनेस टाइकूनस ने कैंची धाम मंदिर नू ही क्यों चुनिया। एप्पल दे फाउंडर स्टीव जॉब, गूगल दे को फाउंडर लैरी पेज तो लैके फेसबुक दे फाउंडर मार्क जुकरबर्ग इत्थे रह के जा चुके ने। गूगल दे लैरी ब्रिलियंट दा कहना है कि इत्थे एक अलग तरह की पॉजिटिविटी है जिथे तुसी खुद नू बदलन दे नाल नाल दुनिया नू बदलन दी भी सिख्या हासिल करदे हो। इत्थों दे शरदालुआं दी मन्निए तां उन्हां दा कहना है कि कैंची धाम दा नाता नीम करोली बाबा दे नाल जुड़िया होया है। तुहानू दस दईए कि नीम करोली बाबा एक साधु सन जो कि उत्तराखंड की पहाड़ी दे विच मिड 20 सेंचुरीज दे विच रहन गए सन ते कुछ वक्त तक वह गुफावां दे विच भी रहे सन। 1964 दे विच इत्थे कैंची धाम मंदिर बनवाया गया। इत्थे लोग दर्शन करन ते मेडिटेशन करन भी आउंदे ने। इंडिया की ट्रिप के दौरान एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1974 दे विच सब तो पहला इत्थे आए सन ते इस आश्रम दे विच 7 महीने भी गुजारे सन। उस दौर दे विच स्टीव जॉब्स स्पिरिचुअलिटी वल भी गए ते वापस जान तो बाद जैन बुद्धिज्म नू हमेशा दे लई अपना लिया। सदियां तो वैस्टर्न कंट्रीज इंडिया दे हर धर्म तो प्रभावित हुंदियां आईयां ने जिस करके वड्डे वड्डे बिजनेस टाइकूनस प्रभावित होके इंडिया विजिट करन आउंदे ने। तां असीं कह सकते हां कि इंडियन फिलोसफी ते इंडियन कल्चर तो वैस्टर्न कंट्रीज लंबे समय तो प्रभावित हुंदियां आईयां ने ते इत्थों दे हर धर्म ते ग्रंथ दे विच वैस्टर्न कंट्रीज दा इंटरस्ट दिनों दिन वधदा जा रहा है। दोस्तों जे कम चंगा लगे तो इस रिपोर्ट नू लाइक ते कमेंट जरूर कर दिओ ते मेरा ते मेरी टीम दे हौसला अफजाई दे लई इनू शेयर भी जरूर कर दिओ। धन्यवाद।